भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के बाद से ये टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है। टीम ने FIH प्रो लीग के डेब्यू सीजन में ही अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों पर छाप छोड़ दी है। इस टीम ने टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। बुधवार 22 जून को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने अमेरिका पर शानदार जीत दर्ज कर तीसरे स्थान पर कब्जा किया। डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 4-0 के बड़े अंतर से जीत हासिल की। टीम के लिए वंदना कटारिया ने 2 गोल दागे, जबकि सोनिका और संगीता कुमारी ने 1-1 गोल किया। इससे पहले मंगलवार को हुए पहले मुकाबले में भी भारतीय टीम को 4-2 से जीत मिली थी। अर्जेंटीना ने 42 अंकों के साथ टॉप पोजीशन पर रहते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि नीदरलैंड्स 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं भारतीय टीम का अभियान 30 अंकों के साथ समाप्त हुआ। भारतीय टीम ने कुल 16 मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें से टीम को 8 मुकाबलों में जीत और 4 में हार मिली, वहीं 4 मुकाबले ड्रॉ रहे। टीम ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 62 गोल किए। मैच की बात करें तो दोनों टीम्स ने आक्रामक शुरुआत की। अमेरिका को शुरुआती मिनटों में ही गोल करने का मौका मिला, लेकिन भारतीय टीम की गोलकीपर सविता ने शानदार बचाव करते हुए उन्हें स्कोर नहीं करने दिया। इसके बाद भारतीय टीम के पास भी गोल करने का मौका आया, लेकिन शर्मिला देवी इसका फायदा नहीं उठा सकी, जिसके बाद पहले क्वार्टर में दोनों टीम्स को और भी मौके मिले, लेकिन कोई गोल नहीं हो सका। दूसरे क्वार्टर में भारत ने ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने मैच के 23वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन इस बार भी गोल नहीं हो सका और हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 से बराबरी पर रहा। हाफ टाइम के बाद भारत ने अपना अटैकिंग गेम जारी रखा। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही टीम को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन अवनीत कौर के शॉट को अमेरिकी गोलकीपर ने रोक दिया, जिसके बाद 39वें मिनट में वंदना कटारिया ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद टीम ने महज 4 मिनट में 3 और गोल दाग कर मैच को अपने नाम कर लिया। कटारिया ने 53वें, जबकि सोनिका ने 54वें और संगीता कुमारी ने 98वें मिनट में गोल किया। इस जीत से वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन 1 से 17 जुलाई तक होगा, जिसकी मेजबानी नीदरलैंड्स और स्पेन मिलकर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। मैंने हारिका यादव, स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।